यस बेटा, 8th क्लास। कल हमने शब्दार्थ तक किया था, आज हम करेंगे पेज नंबर 35 पर। नव धातुएं हैं, जैसे जो नई नई धातु आई हैं वो हैं, इनको आपको अलग ढंग से करना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। देखिए, जैसे आ जमागम है, इसमें आ उपसर्ग है और क्या है, गम धातु है, गच्छ धातु है वैसे, लेकिन गच्छ गम को गच्छ हो जाता है। तो कैसे करना है ये एक मैं करके दिखाती हूँ, बाकी आपको करना है। जैसे आ प्लस गम ये है, तो धातु हमारी वैसे क्या है, गम धातु है, लेकिन जब धातु चलते इसको गच्छ हो जाता है। तो आप इसको, इसका आपने लट लकार, लेट लकार, लोट लकार और लंग लकार तीनों लिखने हैं। सबसे पहले आप इसका लिखेंगे लट लकार। तो लट लकार जब लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यहाँ नीचे लिखेंगे उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष लिखेंगे। तो कैसे चलेगा, गच्छति ये आपने किया है पहले। अगर आपका पीछे है तो हम पीछे भी वैसे इसको देख सकते हैं, जो हमारे धातु रूप हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं कि ये रहा। देखिए, पेज नंबर 115 पर है, गम जाना, वर्तमान कार लट लकार, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। तो ये पूरी धातु पांचों लकार इसके आपको लिखने हैं। आगे कौन सी है नव धातु हमारी, इसमें ज्ञा जानना, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद है उत प्लस था, स्था चलती है हमारी तिष्ठ से, तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। उसके बाद है पर प्लस नम, नम नमस्कार करना, नम की धातु भी बिल्कुल आपकी जैसे गच्छ चला है ऐसे चलेगा। वैसे आपकी ये है भी, देखिए पेज नंबर 117 पर आपकी नम धातु है, नमती नमते नमंती नमसी, इसके पांचों लकार लिखेंगे। लेकिन लट लकार इसका ध्यान रखें, नंशति नंशते नंशंती होते हैं। तो ये दो धातु आप लिखेंगे और इनको याद करेंगे, और तीसरी स्था भी इसके साथ ही है, जो आपका स्था आया था ये उत प्लस था, खड़ा होना उत उपसर्ग है और स्था धातु है। तो ये तीन धातु, तीनों धातु के पांचों लकार लिखेंगे और इनको याद करेंगे। ये थोड़ा सा काम है बेटा, और शब्दार्थ भी आप अपने याद करेंगे। ओके बेटा।